हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पनीर मखाना कोरमा की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस रेसिपी की खास बात ये है कि आप इसे व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम पनीर लिया है, एक कटोरी मखाना, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर। इसके बाद हमने यहाँ पर आधा कटोरी कद्दूकस किया हुआ लौकी लिया है। फिर हमने एक टमाटर की प्यूरी ली है। अब हम एक चम्मच हरी धनिया लेंगे और दो कटी हुई हरी मिर्च। अब हम कढ़ाई में मखाने को सूखा ही धीमी आंच पर करारा होने तक भून लेंगे। जब मखाने भून जाएं, तब हम उन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम लौकी के लच्छों को धीमी आंच पर गल जाने तक भून लेंगे। फिर इसमें टमाटो प्यूरी और सभी सूखे मसाले डालकर अच्छे से धीमी आंच पर भून लेंगे। मसालों को डालने के बाद इसमें हम अपने स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर लेंगे। जब तक हमारे मसाले भुन रहे हैं, तब तक हम एक पैन में 2 कप पानी को गर्म कर लेंगे। अब मसाले में हम एक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें कटे हुए पनीर और भुना हुआ मखाना डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को हम मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें 1.5 कप के करीब पानी डालकर इसे 2 से 4 मिनट तक पका लेंगे हम धीमी आंच पर। तो अब हमारा पनीर मखाना कोरमा बनकर तैयार है। इसे धनिया पत्ती से सजाकर सर्व करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।